आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर हमें देखने को मिला कुछ धमाकेदार मैचेस और स्टोरी लाइन के हिसाब से आज का शो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत करते हुए हमें सैमी जैन दिखाई देते हैं, जो कि व्हील चेयर पर रिंग में आते हैं और उनके साथ जो लास्ट वीक हुआ था उसके बारे में एड्रेस कर रहे होते हैं। दोस्तों सैमी जैन ने अपने सेगमेंट में WWE के चेयरमैन, ऑफिशियल्स, रेफरी और रिंग अनाउंसर को सभी को रोस्ट कर दिया है। दोस्तों तभी वहां पॉल हेमन आ जाते हैं और उन्होंने सैमी जैन की तगड़ी बेइज्जती कर देते हैं और कहते हैं कि मैं टूटे फूटे लोगों से बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों तभी सैमी जैन व्हील चेयर से उठकर पॉल हेमन को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहां ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं और रिंग में चेयर लेकर इंटर करते हैं और रिंग में आकर सैमी जैन के सामने बैठ जाते हैं। दोस्तों पहले तो ब्रॉक लेसनर सैमी जैन से सॉरी बोलते हैं, जो उन्होंने सैमी जैन के साथ लास्ट वीक किया था। दोस्तों उसके बाद ब्रॉक लेसनर बोलते हैं कि हम दोनों कैनेडियन अल्फा मेल हैं, लेकिन तभी पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को याद दिलाते हैं कि तुम बीस्ट ब्रॉक लेसनर हो, ना कि कैनेडियन अल्फा मेल। दोस्तों इतना कहने पर ब्रॉक लेसनर को पता नहीं क्या हो जाता है, ब्रॉक लेसनर सैमी जैन को और उनके साथ आए हुए डॉक्टरों को एकदम तोड़ फोड़ देते हैं और लास्ट में सैमी जैन को एक F5 भी दे देते हैं। दोस्तों इस सेगमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साइड है, ना कि रोमन रेंस के साइड। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि फर्स्ट डे पेपर व्यू में कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साइड रहते हैं या रोमन रेंस के साइड। लेकिन दोस्तों आज के सेगमेंट से ये तो क्लियर हो गया है कि पॉल हेमन कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट जरूर करते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें आज के शो पर ड्रू मैकइंटायर का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर वो एडम पियर्स के ऑफिस में जाकर अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों ड्रू मैकइंटायर एडम पियर्स से बात करते करते इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ड्रू मैकइंटायर अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और एडम पियर्स के ऑफिस के टेबल में घुसेड़ देते हैं, जिसके बाद दोस्तों हमें एडम पियर्स उस स्वॉर्ड को निकालते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बड़ा ही फनी था। दोस्तों इसके बाद हमें आज के स्मैकडाउन के शो पर साशा बैंक और टोनी स्टॉर्म का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर साशा बैंक टोनी स्टॉर्म को चार्लेट फ्लेयर से जीतने के लिए मैच के कई सारे टिप्स दे रही होती हैं और टोनी स्टॉर्म उन्हें थैंक्स बोल रही होती हैं। दोस्तों इसके बाद हमें आज के शो पर सेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी ड्रू मैकइंटायर और सेमस के बीच में मैच देखने को मिलता है तो मैच काफी कमाल का होता है, वैसे ही दोस्तों आज के मैच में हमें कई सारे हार्ड हिटिंग मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों दोनों सुपरस्टार ने मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि जब सेमस ड्रू मैकइंटायर को कॉर्नर की तरफ पुश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर वहां रिवर्सल करके क्लेमोर किक लगा देते हैं और पिन करके सेमस से मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें आज के शो पर हमें कल डेथ हुए जैक लैंसर, जो कि WWE के बहुत बड़े लीजेंड हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। दोस्तों इसके बाद हमें आज के शो पर नायोमी वर्सेस सोनिया डिवेल के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों पहले तो सोनिया डिवेल रिंग में नहीं आ रही होती है, लेकिन जब नायोमी रिंग में उनकी तगड़ी बेइज्जती कर रही होती है तो सोनिया डिवेल बैक स्टेज से रिंग में आ जाती है और दोस्तों नायोमी से कहती है कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड नटालिया और सेना बेजलर भी मेरे रिंग साइड पे होंगी। लेकिन दोस्तों जिससे नायोमी गुस्सा हो जाती है और नटालिया और सेना बेजलर पर अटैक कर देती है। दोस्तों जिसके बाद सोनिया डिवेल, नटालिया और सेना बेजलर मिलकर नायोमी पर अटैक करने लगती है, लेकिन दोस्तों तभी हमें वहां अजाया अली आते हुए दिखाई देती है, जो कि आज स्मैकडाउन पर डेब्यू करती है और दोस्तों वो रिंग में आकर नायोमी को बचाती है। दोस्तों उसके बाद नायोमी और जाया अली एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रही होती है। दोस्तों इसके बाद हमें आज के स्मैकडाउन के शो पर शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्टॉर्म के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों इस मैच की कंडीशन होती है कि अगर टोनी स्टॉर्म इस मैच में शार्लेट फ्लेयर को हरा देती हैं तो टोनी स्टॉर्म को एक टाइटल मैच की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों मैच काफी अच्छा था, मैच में हमें कई सारे कूल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि जब शार्लेट फ्लेयर टोनी स्टॉर्म के पैर को स्टील स्टेप में दबाकर अटैक कर रही होती है तो रेफरी इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से एंड करके टोनी स्टॉर्म को जिता देता है, लेकिन दोस्तों मैच खत्म हो जाने के बाद भी शार्लेट फ्लेयर टोनी स्टॉर्म पर अटैक कर रही होती है। दोस्तों इसके बाद हमें आज के शो पर ट्रिपल थ्रेड वर्ल्ड बेस्ट टैग टीम चैंपियंस का मैच देखने को मिलता है, जहां पर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस, रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो और द न्यू डे होते हैं। दोस्तों मैच की कंडीशन होती है कि जो टीम इस मैच को जीतेगी वो वर्ल्ड्स बेस्ट टैग टीम होगी। दोस्तों इस मैच की अगर बात किया जाए तो रेसलिंग के हिसाब से ये मैच काफी कमाल का था। इस मैच में हमें कई सारे हार्ट हिटिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस मैच को मैं प्रिफर जरूर करूंगा कि आपको जरूर ट्यून करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जब रैंडी ऑर्टन जिमी उसो को आरकेओ देने ही वाले होते हैं तभी एक्सेवियर वुड रैंडी ऑर्टन से टैग कर लेते हैं और कोफी किंगस्टन के साथ मिलकर जे उसो को टैग टीम फिनिशर लगा देते हैं और पिन करके द न्यू डे इस मैच को जीत जाते हैं।
जाती है। दोस्तों अगर बात किया जाए आज के ओवरऑल स्मैकडाउन के शो की, तो शो काफी अच्छा था, जहां पर हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिले और कई सारे धमाकेदार मैचेस भी देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों हमें कहीं ना कहीं रोमन रेंस की कमी आज के शो पर महसूस जरूर हुई थी। दोस्तों आज के स्मैकडाउन के शो को मैं 5 स्टार में से 4.5 स्टार देना चाहूंगा। और दोस्तों आज के स्मैकडाउन के शो को देखकर आपके क्या थॉट है, नीचे अपने थॉट को कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।